प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इसके तहत वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। कुछ देर बाद वे बर्लिन में भारत जर्मनी IGC बैठक में शामिल भी होंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो शाम को जर्मनी में रह रहे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। जी हाँ, आपको बता दे, पीएम ने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों और विकल्पों का सामना कर रहा है। अपनी बैठकों के माध्यम से मैं यूरोपीय भागीदारी की साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूँ, जो भारत की शांति और समृद्धि के लक्ष्य प्राप्ति से जुड़े प्रयास में महत्वपूर्ण साथी रहे हैं। बता दें कि भारत का अंतर सरकारी परामर्श IGC केवल जर्मनी के साथ है, जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 6 IGC के बाद एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री और चांसलर स्कॉल्स दोनों देशों के शीर्ष CEO के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। 3 देशों की यात्रा से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बर्लिन यात्रा चांसलर स्कॉल्स के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करने का अवसर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।